हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई लुक बनाया है, जिसमें मैंने ग्रीन शिमर ब्लैक के साथ यूज़ किया है। कोई भी बॉटल ग्रीन ड्रेस हो, प्रिटी लुक है, पार्टी वेयर है, ब्राइडल है, किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, एक लाइट ब्राउन सा शेड लेंगे और उससे तीन डॉट्स बनाएंगे अपने आईलिड के पास, और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश से उसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पे पहले मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है, हम स्टेसी मैरीमोआ की कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लिया और फिर तीन डॉट्स बनाए। तीन डॉट्स बनाने से क्या होता है ना, आपको कनेक्टिविटी रहती है, आप उसको कनेक्ट करके ब्लेंड करते हो तो ईजी रहता है। और आप देखोगे मैं डार्कर शेड यूज़ करा है, वो इसलिए कि ताकि थोड़ा सा शेडो ब्राइट दिखे मेरी आईज पे। और ये थोड़ा सा ऑरेंजी ब्राउन शेड है और मैंने सेम ब्रश यूज़ किया है जो मैंने लाइट ब्राउन आई शेडो के लिए किया था। और अगर आप सोच रहे हो मैंने आंखों के नीचे इतना सारा पाउडर क्यों लगा रखा है, वो इसलिए कि मैंने बेक कराया था कि कोई भी एक्सेस फॉल ऑफ हो ग्लिटर का या शिमर का, तो वो मैं बाद में ब्रश से वाइप ऑफ कर दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने फेस पे बेस लगा चुकी हूँ। अब आप देखोगे मैंने ब्राउन आई शेडो अच्छे से पूरे आईलिड पे लगा लिया और उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ फ्लिक आउट भी किया है। फिर मैंने उसी पैलेट का एक शैम्पेन गोल्ड सा शिमर है, शैम्पेन शिमर कहूँगी मैं, और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर से थोड़ा सा मिडिल की तरफ लेके आई हूँ, और सेम शिमर मैंने अपने ब्राउ बोन के नीचे भी लगाया है। ये शिमर बहुत ही प्रिटी है, ये मैट नहीं है, इसमें थोड़ा सा शाइन है, और इसलिए मैंने इसको लोअर आईलिड पे भी लगाया है। लोअर आईलिड पे आप देखोगे थोड़ा सा वाइटिश कलर आ रहा है जो उसका ओरिजिनल कलर है, बट जो क्योंकि मैंने उसको ब्राउन आई शेडो पर लगाया वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने एक ब्लैक आई शेडो लिया और उसको मैं सिर्फ अपने आईज के आउटर एजेस पे हल्का हल्का पैक करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है, मॉर्फी का M506, ताकि मेरे ब्रश जो है कंट्रोल में रहे और मैं अच्छे से ब्लेंड कर पाऊँ। ब्लैक शेड को मैंने ब्लेंड करने के बाद क्या करा है, एक फ्लफी क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उससे सारे आई जो सारे शेड्स है ब्राउन के उनको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये ग्रीन शिमर लिया, बॉटल ग्रीन जैसा सा है, और फिंगर पे लगा के मैंने बस पैक करा है अपने आईलेट के ऊपर, और आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है। उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया, उससे थोड़ा सा मैं शिमर को भी ब्लेंड करती हूँ ताकि एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक आए, वरना बहुत पैची लगता है। और फिर मैंने जो गोल्ड शिमर है, शैम्पेन शिमर है, उसको वापस से ग्रीन के ऊपर लगाया। ग्रीन के ऊपर लगाने से थोड़ा सा अच्छा सा ट्रांजिशन दे रहा है। और फिर उसके बाद उसको सेम शिमर को मैंने अपने लोअर आईलेट पे लगाया है, और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा ब्राउन भी ऐड किया है। और आज मैं एक ग्रीन वाटर पेंसिल, ग्रीन अंडर आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन में। आप न्यूड भी कर सकते हो, आप ब्लैक भी कर सकते हो, ये बहुत ही प्रिटी लुक है। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा गोल्ड ग्लिटर ऐड किया है। लैशेज और मस्कारा के बाद ये मेरा कंप्लीट लुक है, बहुत प्रिटी है, कोई भी कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।